महिला ने लगाया गैंगरेप का आरोप तो युवक ने एसएसपी से की शिकायत। खबर शिवपुरी से है, जहां एक महिला द्वारा एसपी ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान एक आवेदन दिया गया था, जिसमें माखन रावत बलराम गुर्जर पर आरोप लगाया। उन्होंने उसके साथ छिमचिना मंदिर के पास जंगल में ले जाकर रेप किया। वहीं माखन रावत द्वारा मीडिया को जानकारी दी गई कि ये महिला द्वारा उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। माखन रावत का कहना है, उसने अजमेर रावत को प्लॉट दिया था, उसने चेक एवज में दिए थे, उसके बाद उसने चेक लगाया तो बाउंस हो गया। माखन द्वारा फिर पैसे मांगे गए तो उसने महिला को एसपी ऑफिस ले जाकर मेरे और कुछ लोगों के खिलाफ ज्ञापन दिया है। वह 25 लाख रुपए की मांग लगातार कर रहा है, ऐसा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में कह रहा है। उसका कहना है वह अब राजीनामा 15 लाख देकर बेचेंगे। माखन का कहना है, महिला पूर्व में शहर के कई लोगों को ऐसे जाल में फंसा चुकी है, उसके खिलाफ पुलिस में ऐसे रिकॉर्ड हैं। आपने किसी आदिवासी महिला के द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया, क्या कहना चाहेंगे? आदिवासी महिला के द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया है, तो सुबह का पत्नी अजमेर सिंह रावत को मैंने एक प्लॉट दिया था, उसमें एक चेक रजिस्ट्री में चेक लगाया था, वो चेक बाउंस हो गया। इस चक्कर में बार बार वो मुझसे चेक की मांग कर रहे थे कि चेक दे दो, मैंने चेक की मना कर दी कि मेरे पैसा दे दो तो मैं चेक दे दूँगा, बोले सारे तेरे को देख लेंगे। इस तरीके से मैंने मेरे ऊपर ये व्यवस्था जमा दी। ये आपका कहना का मतलब ये है कि उसने झूठा आरोप आप पर लगाया, आपने इसकी शिकायत कहीं की अभी इसको लेकर? हाँ भाई, अभी शिकायत की है एस पी साहब के, शिकायत करिए थाने में भी करिए कोतवाली में। तो आपके द्वारा मतलब ये प्लॉट उसको दिया गया था जी, तो पैसे नहीं देने के कारण ये आप पर झूठा आरोप लगा रही है, कहना है आप? और समाज में तो मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, मैं तो समाज के लिए ये कर रहा हूँ, समाज तक आवाज़ पहुँच जाए हमारी कि ये चरित्री मैं आज जैसे कई लोगों से ऐसे पैसे वसूल कर लिया, तो अब आगे किसी के साथ रहना न्याय ना हो। अच्छा, ये पूर्व में भी इसी तरीके से पैसे हैं, तो आपसे भी पैसे की मांग कर रहे हैं? पैसे की मांग कर रहे हैं मेरे से। कितने पैसे की मांग? मेरे से 25 लाख रुपये की मांग कर रहा। अच्छा, 25 लाख, उन्होंने रिकॉर्ड भी किया उसका, जो 25 लाख रुपये की मांग की है कि मेरे चेकों के संबंध में 25 लाख रुपए मुझे दे, नहीं तो साले बिल लोटा चलवा दूंगा तेरे घर के ऊपर। आपकी उनसे जान पहचान कैसे हुई? जान पहचान रिश्तेदार लगता है, वो आदिवासी या झागड़ वो रावत रावत उसको करे हुए दूसरी जगह की औरत से और उसको रखे हुए है, वो अभी पति को छोड़ के भी नहीं आई, वो जो उसका ब्लैकमेल कर रहा है। क्या नाम है उसका? अजमेर सिंह रावत। और महिला का? मैं सुरेखा भाई। कहाँ की है ये महिला? ये अशोकनगर साइड की है, उसने जितना तो मुझे पता नहीं है इसका। उसने महिला ने बताया कि आप 3 लोग आए थे कार से, तो क्या आप उनके घर गए थे? नहीं। तो उस टाइम आपकी लोकेशन क्या थी? लोकेशन हमारी लोकेशन टेस्ट कराई है और उनकी लोकेशन टेस्ट कराई है कि वो ट्रक बताया था कहाँ गया था, वो सारी चीजें सामने आ जानी चाहिए, और हम अगर दोषी पाए जाए तो हमको बेशक दंड दिया जाए। मैम, एक महिला का मामला आया था जिसमें उसने आरोप लगाया था कि छिपचा मंदिर में उसकी रेप की वारदात को अंजाम दी है, क्या मामला है? हमारे पास थाना कोतवाली पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से एक आदिवासी महिला का एक आवेदन आया था, जिसकी हमने जांच के लिए हम उसके जो उसने आवेदन में जो पता बताया था उस स्थान पर गए, जहां पर वो उपस्थित नहीं मिली। फिर जो उसने अपने आवेदन में नंबर लिखा था उसके जरिए हमने उससे संपर्क करना चाहा, तो वहाँ से उसके भाई ने हमसे बात की और उसने बताया कि उक्त महिला जो है वो अपने घर अशोकनगर में है, और तब से हमने कई बार उससे संपर्क करना चाहा पर अभी तक वो यहाँ उपस्थित नहीं हुई है, और वो जब भी यहाँ उपस्थित होगी तो हम जांच करके FIR करेंगे। आरोपी ने भी SP साहब को ज्ञापन दिया जिसमें उसने बताया कि यह मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। उक्त आवेदन के संबंध में अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है, अगर आवेदन आता है यहाँ पर तो हम उसकी उचित कार्रवाई मतलब जाँच करके कार्रवाई करेंगे।